हीरो की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बाइक 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट में हमेशा से ही टॉप 10 मोस्ट सेलिंग बाइक्स में इसका नाम बरकरार है और जिसका नाम है हीरो पैशन प्रो। वैसे हाल फिलहाल 2019 में इसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज करके हीरो हमें प्रोवाइड कर रहा है ये बेहतरीन पैकेज। I3S टेक्नोलॉजी के साथ IBS ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है इस बाइक में नया, साथ ही ये भी जानते हैं कि इस बाइक का रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। हाल फिलहाल कुछ ओनर्स से मैं मिला जो इस गाड़ी को जो है काफ़ी अर्सों से यूज़ कर रहे। कुछ लोग हैं जिन्होंने नया नया खरीदा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने 3 साल पहले इसे खरीदा था। मोरल ऑफ द पॉइंट सबका मिला जुला के प्रोज कॉन्स फायदे नुकसान डिसएडवांटेज एडवांटेजेस जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ चेतन और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह मार्केट में ऐसे कई सारे ओनर्स से मैं मिला जो इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने नई खरीदी है, कुछ लोग हैं जो 1.5-2 साल पहले से इस गाड़ी को चला रहे हैं। तो उन सभी का मिला जुला के प्रोज कॉन्स फायदे नुकसान यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, साथ ही इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप इसे देख सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस पे। सबसे पहला इस गाड़ी का एडवांटेज है वो है इसका इंजन परफॉर्मेंस, ये बहुत बेहतरीन है। वैसे मैं बता दूं 60-65 तक अगर आपकी कॉन्टिन्यूसली स्पीड होती है, यानी कि आप इससे ऊपर नहीं जाते हो, कभी कभार 70+ भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभार ऐसे में 60-65 तक का इसका इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, लो मेंटेनेंस गाड़ी से कही जाती है और इसका आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। वैसे इंजन परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी सारे लोगों से ये फीडबैक मिला, जितने भी ओनर्स मार्केट में मिले उनसे ये फीडबैक मिला कि इसका इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है, अच्छा है, बेहतरीन है। और ये इसमें सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट मुझे लगा और ये एडवांटेज ही यहाँ पे माना जाएगा। दूसरा जो इसका एडवांटेज है काफ़ी अच्छा, जो इसका यूनिक पॉइंट है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। वैसे मैं बता दूँ इस गाड़ी में काफ़ी सारे प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करे गए हैं और मेटल और स्टील के मटेरियल भी यूज़ करे गए हैं, लेकिन जितना भी जो भी यूज़ करा गया है, चाहे प्लास्टिक हो, मेटल हो, स्टील हो, सारा कुछ बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, हार्ड मटेरियल का प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी स्विचेस की क्वालिटी, हेडलाइट की क्वालिटी जो आपको प्लास्टिक दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी, जो आपको लेग गार्ड है उसकी क्वालिटी, चेसिस की क्वालिटी, सीट की क्वालिटी, जो आपको इंडिकेटर्स है उसकी क्वालिटी एवरग्रीन है, बेहतरीन है, सब कुछ बिल्कुल सोच समझ के हीरो ने इसमें इंस्टॉल किया है। इसका कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बिल्कुल बढ़िया सा यहाँ पे आपको करके मिलता है, तो ये भी इसमें एक एडवांटेज ही माना जाएगा। अगला जो इसमें एडवांटेज आता है वो है इसकी सीटिंग पोजीशन। अब ये तो काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग राइड के दौरान भी अच्छी है और शॉर्ट राइड के लिए भी अच्छी है, सिटी में भी अच्छी है, हाईवे पर भी अच्छी है। अच्छी का मतलब है कि अगर पिलियन और राइडर दोनों बैठे हैं तो राइडर चाहे कितनी भी दूरी से चला के ले जाए, 60-65 के स्पीड पे कॉन्टिन्यूसली चल के जाता है, 100-200 किलोमीटर तक भी चलती है ये आराम से, फिर भी थकान महसूस नहीं होती है। सीट की पोजीशन इसकी इतनी ज़्यादा ऑड नहीं है स्पोर्टी बाइक जैसे, ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक आती है, और वैसे मैं आपको पीठ में, कंधों में, कमर में दर्द महसूस नहीं होता है। साथ ही जो पिलियन है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन यहाँ पे इसको मिल जाती है, और ये भी इसमें एक एडवांटेज ही माना जाएगा। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, ओनर्स द्वारा सूचित करा गया सबसे बढ़िया अच्छा पॉइंट, जिसमें माइलेज आपको 60 से लेकर 70 के बीच में मिलता है हाईवे एज वेल एज सिटी। वैसे 60 के नीचे बहुत ही कम लोगों को मिला हुआ है, हो सकता है उन्होंने गाड़ी को अच्छे से मेंटेन नहीं रखा हो। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी रगड़ते हो, किस तरह से चलाते हो, उसकी जो हैंडलिंग है वो किस तरह से आप मेंटेन रखते हो। फिर भी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, मार्केट में जितने भी ओनर्स मिले उनकी मैं बात करूं, उनके द्वारा बताया गया पॉइंट, तो यहां पे आपको 60 से लेके 70 के बीच में, कुछ लोगों को 70+ भी मिल रहा है, 60 से लेके 70+ तक का इसका माइलेज आपको सिटी में एज वेल एज हाईवे पर मिल जाता है, और कहीं ना कहीं ये भी इसमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट या फिर एडवांटेज ही आप कह सकते हो।
अगर मैं बात करूं इसके सस्पेंशन की तो ये भी इसमें एडवांटेज ही है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशन मिल जाते हैं। वैसे फ्रंट के सस्पेंशन काफी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, रियर के भी इतने बुरे नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके साथ पिलियन है तो ज्यादा कंफर्टेबल है। सिंगल बंदे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी माइनर सी 19-20 का फर्क है, इतना ज्यादा नहीं है। दिक्कतें आती है कहीं ना कहीं गड्ढे वाले रास्तों में, आपको थोड़ी सी थकान सी महसूस होने लग जाती है। वैसे ये पॉइंट ज्यादा लोगों द्वारा कवर नहीं हो पाया, यानी कि सस्पेंशन के मामले में बहुत सारे लोगों ने जो भी फीडबैक दिया बेहतरीन दिया, अच्छा ही दिया, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव पॉइंट में यानी कि जो एडवांटेज है उस वाले सेगमेंट में पॉइंट में इस बात को मैंने रखा है। और कहीं ना कहीं ये वाकई एडवांटेज ही इस बाइक का यहां पे माना जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी हैंडलिंग। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, मैंने पहले ही कहा 60-70 के स्पीड पर ये आपको अच्छी से अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करती है, ब्रेकिंग अच्छी प्रोवाइड करती है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक है। वैसे ये स्पोर्टी बाइक नहीं है, मैंने पहले ही कहा ये एक कम्यूटर सेगमेंट की 100-110 सीसी सेगमेंट में आने वाली बाइक है, इससे और ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे प्लस पॉइंट ही आएगा, काफ़ी अच्छी और बेहतरीन इसकी हैंडलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब तक जो मैंने बताया ये तो थे इस गाड़ी के एडवांटेजेस, आइए बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर, क्योंकि ऐसी कोई कार या फिर कोई बाइक नहीं है जिसके सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज हो, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस मैं बताना चाहूंगा वो है इसका पिकअप। वैसे मैं बता दूं मार्केट में जितने ओनर्स मिले उन सभी से यानी कि 50% लोगों ने ये कहा कि इसका इनिशियल पिकअप अच्छा नहीं है, 50% लोगों ने कहा इसका इनिशियल पिकअप काफी अच्छा है, इसलिए ये बात मैंने 50-50 सेगमेंट पर रखी। जब भी मेरे को कंफ्यूजन हुआ तब मैंने इस गाड़ी को 3 से 4 गाड़ियां जिनके जिन ओनर से मैंने बातें करी उनसे मैंने इनिशियली चला के देखी, इसका इनिशियल पिकअप भी मैंने खुद चेक किया, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन था, क्योंकि इसमें जो है मोरल निकल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने जब इसे खुद चलाया तो वाकई इसका इनिशियल पिकअप थोड़ा सा डाउन है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। जैसे आप हीरो की ही क्यों ना हो, हीरो की ही आप स्प्लेंडर ले लो, उससे थोड़ा सा कम पर्सनली मुझे लगा, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी लोगों का भी ओपिनियन यही है। तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज माना जाएगा। वैसे पिकअप जिस हद तक इस 100 सीसी की गाड़ी को चाहिए उतना है, लेकिन लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई, इसलिए ये पॉइंट मैंने डिसएडवांटेज जिसमें रखा है। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इसका हेडलाइट। वैसे इसकी हेडलाइट नाइट में इतनी अच्छी जो है विजुअल एबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ये पर्सनली मैंने भी देखा है, क्योंकि अगर रात में डार्क नाइट है और रास्ते पे बारिश वगैरह गिरी है, रास्ता गीला है, तो वहां पे रास्ता कहीं ना कहीं आपको इतना अच्छा नहीं दिखता है, ज्यादा दूर का नहीं दिखता है, विजुअल एबिलिटी इसकी इतनी खास नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। साथ ही अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है, ट्रक या फिर बस या फिर कार ही क्यों ना हो, तो भी इसका लाइट आपको रास्ता क्लियर नहीं दिखा पाता है, ऐसे में ये रिस्क भरा हो सकता है और ये इस गाड़ी का एक डिसएडवांटेज है। आती अगला जो डिसएडवांटेज इस गाड़ी में ओनर्स द्वारा सूचित करा गया पॉइंट, ओनर्स द्वारा बताए गए पॉइंट्स, उसमें ये है कि इसमें वाइब्रेशन भी है। वाइब्रेशन पर्सनली मुझे नहीं लगा, कुछ लोगों को ये लगा हुआ है, कुछ लोगों को नहीं लगा हुआ है, मैं बता देता हूं क्या है ये फंडा। देखो अगर 60 से लेके 65 तक आप ये गाड़ी चलाते हो तो वाइब्रेशन इतने ज़्यादा महसूस नहीं होते हैं, 65 से लेके 65 के ऊपर 66-67 या फिर जितना भी आप जाना चाहो 80-90 कहाँ पर भी स्पीड के मामले में मैं बात कर रहा हूँ, तो 65 प्लस जब इसका स्पीड आप लेके जाते हो तो वहां पे आपको हैंडल बार में फुट रेस्ट में और पिलियन के फुट रेस्ट में कहीं ना कहीं माइनर सा वाइब्रेशन होने लग जाता है। साथ ही जो आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है या फिर जहां पे आप चाबी लगाते हो यानी इग्निशन है, वहां पे भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन महसूस होते हैं, तो ये इसमें एक निगेटिव पॉइंट मुझे लगा। वैसे 60 के बाद ये इतना ज्यादा पावर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि इसमें एक और गियर होता तो मजा आ जाता, यानी कि लैक ऑफ पावर कहीं ना कहीं महसूस होती है, जो इसकी सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियां यानी कि जो 100-110 की सेगमेंट में गाड़ियां हैं उनमें ये चीजें कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है, लेकिन इस हीरो की फैशन प्रो में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर देखने को मिल जाएगी, तो ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज ही आज की डेट में माना जा रहा है। अगला डिसएडवांटेज ऐसा है कि इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कुछ यूनिट्स में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी यूनिट्स में खराब है, क्योंकि मैंने पर्सनली जब मैं ओनर्स से मिला इस इन ये जो प्रोडक्ट पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं फैशन प्रो, तो उन सभी के कुछ लोगों द्वारा बताया गया ऐसा है कि उनका ओपिनियन कि इसकी पेंट क्वालिटी काफी अच्छी नहीं है, कुछ लोगों का मानना है कि ठीक ठाक है, अच्छी है, क्योंकि अगर आप इसे धूप में कंटिन्यू रखते हो यानी कि अगर पार्क करते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं इसका कलर फेंट होने लग जाता है 2-2.5 साल बाद और गाड़ी पुरानी सी लगने लग जाती है। मेरा ये मानना है कि धूप में आप कोई भी गाड़ी रखो उसका कलर फेंट होता ही है। इसमें अगर ये गाड़ी गिर जाती है, पर्सनली मेरा मानना है कि ये गाड़ी अगर गिर जाती है या फिर छोटी मोटी एक्सीडेंटल केस में फंस जाती है, कहीं पे आपको स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो वहां पे इसकी पेंट निकलने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि निकलती है, ज्यादा
निकलता है, ये इसमें डिसएडवांटेज है। बाकी धूप में लगाने से जो कलर जाता है वो उसका डिसएडवांटेज नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप गाड़ी कहाँ पे लगाते हो। हमेशा रिकमेंड करते हैं बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनियाँ कि आप छाव में ही गाड़ियाँ लगाएं, बारिश में ना लगाएं, धूप में ना लगाएं, छाव में लगाएं, कवर्ड पार्किंग में लगाएं, तो उस हिसाब से वो मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अब ये जो पेंट क्वालिटी का सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं पुअर है, जो पुअर इट मीन्स पेंट क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पे माइनस पॉइंट लेकर जाती है, और ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज ही है। ये तो थे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। मार्केट में मैंने कई सारे लोगों से बातें करी जो इस गाड़ी को यूज कर रहे, शॉर्ट में बातें करी, लॉन्ग टर्म में बातें करी, सारी चीजों से ये पॉइंट्स निकल के आए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपके पास ये गाड़ी है, आप इसके ओनर हो, और मैंने जो पॉइंट्स बताए उनके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही जो मैंने ये पॉइंट्स बताए इनमें अगर कुछ करेक्शन लगता है आपको कि मेरा कोई पॉइंट गलत है, आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर अच्छा लगा, या फिर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी सारे लोग देखने वाले हैं, हो सकता है आपकी एक कमेंट उनके बाइंग डिसीजन के टाइम उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर दे। अब अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पे 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर होता है किसी भी गाड़ी का। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।